प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता से संबंधित 9600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। भारत के नागरिकों से स्वच्छ भारत की भावना को और मजबूत करने के लिए स्वच्छता पहल में भाग लेने का आग्रह भी किया। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं।